अगर जब वो परमेश्वर से आग्रह करता है कि परमेश्वर मुझे बताएं ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या बातें हैं, इसका रहस्य क्या है, क्या भेद है, कम से कम मुझे तो पता है, मगर परमेश्वर कहता है बिल्कुल स्पष्ट साफ शब्दों में मना कर देता है कि चला जा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय और पहले पद से लेकर तीन पद तक। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पद से लेकर उसके दो पद तक बात करेंगे। और ये जो है प्रस्तावना यानी पहला भाग है। जैसे हमने बताया था कि प्रकाशित वाक्य की जो रूपरेखा है, जो आउटलाइन है, उसको सात भागों में बांटा है और इसका पहला भाग है प्रस्तावना, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जब आप यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो उसका शीर्षक जो है वहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। परंतु जब आप प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे तो उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। लोग यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है या ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है। इसमें किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उसने यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य इसलिए लिखवाया है कि वो अपने जितने भी उसके लेखक हुए हैं बाइबल के अंदर, आप देखिएगा बाइबल के अंदर जितने भी लेखक हुए हैं उनके नाम से उस पुस्तक को जाना जाता है। आप चाहे यशाया ले लीजिए, यिर्मयाह ले लीजिए, एज़ेकेल ले लीजिए, डैनियल ले लीजिए, होशे ले लीजिए, अमोस ले लीजिए, एनीवे जितने भी हैं सब जो है बाइबल के अंदर उस पुस्तक जो उनकी पुस्तक है उनके नाम से जानी जाती है जिन्होंने लिखी है या परमेश्वर ने जिनके द्वारा लिखवाई है। क्यों, आखिर ऐसा कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि जो मेरे दास हैं लोग उनको भी जानें, कि परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने कैसे कैसे भेद खोले हैं और कैसे भेदों को प्रकट किया है, किस तरीके से उनको भेद उनको खुलवाए हैं, क्या गुण बातें बताई हैं, कितनी रहस्य की बातें जो हैं उनके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट करी है। आखिर ये इतने लोग, इतने पवित्र लोग हैं जो रहस्य की बातें हैं जिन्हें सिर्फ परमेश्वर जानता है, उन बातों को उसने अपने चुने हुए दासों के ऊपर प्रकट किया और उन्होंने उसको लिखा, इसलिए लिखवाया, इसलिए उनको दर्शन दिए, इसलिए उनको ये सब कुछ दिखाया ताकि मैं और आप उन चीजों को जान सकें, सीख सकें और उनको जानकर उनको सीखकर हम भी उन चुने हुए में शामिल हो सकें और प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को ग्रहण करके उसके राज के वारिस हो सकें। ये इसलिए लिखवाया गया। इसलिए जो लेखक के रूप में अगर देखा जाए तो वो प्रकाशित वाक्य किसने लिखा? यूहन्ना ने लिखा है और वो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य रहा। मगर जब हम कहते हैं कि ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जैसा कि पहले पद में लिखा हुआ है, पहले अध्याय के पहले ही पद में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट जिसको कहा जाता है। जी हाँ, ये केंद्र बिंदु। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण बाइबल का जो है केंद्र बिंदु माना जाता है और है भी वो केंद्र बिंदु। क्यों है प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण बाइबल का केंद्र बिंदु और विशेष तौर से प्रकाशित वाक्य का केंद्र बिंदु भी क्यों उसे कहा जाता है? देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को वचन कहा गया। जब हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ेंगे उसके पहले अध्याय के पहले पद को, वहां लिखा हुआ है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। परंतु जब उसके 14वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ वो और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। कहने का मतलब क्या है कि वचन देहधारी हुआ। किस रूप में देहधारी हुआ? प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो है वो देहधारी हुआ। मैं आप एक और भी रुचिकर बात बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य जब 19 अध्याय उसका 11 से 16 पद को पढ़ेंगे, जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे एक श्वेत घोड़ा है और उस घोड़े पर एक सवार है और वो सवार जो है सत्य और विश्वास योग्य कहलाता है। और दूसरी उसके अंदर एक बड़ी खूबी है कि वे धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है और बहुत सी सच्चाइयों से उस पद के उन पदों को जब आप पढ़ेंगे और भी बहुत सी बातें हैं जो सच्चाइयों से परिपूर्ण है, सच्चाइयों से भरी हुई हैं। परंतु जब हम इस भाग पर आएंगे तब वो बात क्या कहता है उसके 13वें पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये प्रभु यीशु मसीह का वही रूप है जो
यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय के पहले पद में और 14वें पद में हुआ कि वो क्या कराया, जब वह प्रभु यीशु मसीह जो है वो वचन कराया प्रकाशित वाक्य में। इसलिए यीशु मसीह को क्या कहा गया है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कहा गया, क्योंकि यीशु मसीह का वो वचन है, क्योंकि वो वचन यीशु मसीह है। तो इसलिए वो यीशु मसीह उस वचन का केंद्र बिंदु है, वो वचन वही कहलाता है, इसलिए उसको यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कहा गया। अगर आप लोगों ने इस चीज को ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे, तो ये सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य क्यों कहा गया। दूसरी बात, जब आप प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के पहले ही पद को पढ़ेंगे तो उसमें एक और विशेष बात है, जरा ध्यान दीजिएगा और ये आपको नई बात लगेगी, मगर बड़ी रुचिकर बात है, ये बहुत महत्व रखती है। यहां लिखा हुआ है, आप लोग पहले इस पद पर ध्यान दें कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो है प्रकाशित वाक्य दिया है, वहां पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। आप जब आप उसको पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य यानी उस पुस्तक को यीशु मसीह को दिया ताकि वो अपने दास को वो बातें बताए, वो बातें दिखाए जो शीघ्र पूरी होने वाली हैं। इस पद को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर के पास पहले से उपस्थित है, यानी परमेश्वर के पास पहले से लिखी हुई रखी गई है और उसने प्रभु यीशु मसीह को दी और प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूत को वो बातें बताई, वो सारी चीजें उस पुस्तक की समझाई कि जाकर मेरे दास यूहन्ना को सब कुछ बता, सब कुछ दिखा, ताकि वो उसको वैसे ही लिख सके। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यानी ये पुस्तक जो है वो पहले से लिखी गई है। अब कैसे लिखी गई है, अब कब लिखी गई और किसने लिखी इस पुस्तक को, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डैनियल 12 अध्याय उसका जब 4 पद आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, परंतु हे डैनियल तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। अब यहां डैनियल इस पुस्तक को लिख रहा है और उस पर क्या कर रहा है कि इसको मोहर बंद करके रख दे, किस समय के लिए, अंत समय के लिए, यानी ये पुस्तक जो है अंत समय तक के लिए बंद करके रखी गई है। अब ये खोली कब गई और लिखी कब गई, जी हाँ, जो डैनियल की जो डैनियल ने जो पुस्तक को लिखा है, परमेश्वर ने जो उसको डैनियल के द्वारा लिखाया और परमेश्वर ने उस पर जो मोहर लगवाई है, कि वो मोहर लगाने का पहले मैं आपको थोड़ा सा मोहर के बारे में भी बता दूं। देखिए, अगर हमारी भारत सरकार है, अगर किसी फैक्ट्री पर, किसी मकान पर या किसी चीज पर वो उसको सील कर दे, मोहर कर दे, तो फिर उसको कोई भी नहीं खोल सकता है, चाहे उसका मालिक कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना पैसे वाला क्यों ना हो, कितना रुतबे वाला क्यों ना हो। अगर भारत सरकार ने अपनी मोहर लगाकर उसको सील कर दिया है, उसको मोहर बंद कर दिया है, तो उसको कोई नहीं खोल सकता। तो कहने का मतलब यह है कि डैनियल की इस डैनियल से जो बातें लिखवाई गई हैं उस पुस्तक पर मोहर कर दी गई है और अब उसको खोलने वाला कोई नहीं है सिवाय परमेश्वर के, कोई उस मनुष्य उसको खोल नहीं सकता है। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब मोहर खोली गई, देखिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 10वें पद को जरा ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर क्योंकि समय निकट है। ध्यान दीजिएगा, वहां पर भी परमेश्वर का वचन डैनियल से क्या कह रहा है, इस पुस्तक पर मोहर कर दे, इसको मत खोल, क्योंकि ये अंत समय तक के लिए रखी गई है। और जब और यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य को लिखता है तो उसके 22 पद के 10वें 22 अध्याय के 10वें पद में वो ये कहता है कि इस पुस्तक को बंद मत कर। इसका मतलब क्या है कि प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के लिखने के समय जो है अंत समय का आरंभ शुरू हो जाता है, यानी जब अंत समय का आरंभ शुरू हो गया तब इस पुस्तक के भेदों को यूहन्ना के ऊपर खोला गया, यूहन्ना को बताया गया कि इसको तुझे कैसे लिखना है, कैसे ये इसके रहस्य क्या है और किस तरीके से परमेश्वर ने उसके ऊपर एक एक करके सारे रहस्य को खोला जो डैनियल की पुस्तक में लिखवाया गया था। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है, बंद मत कर अर्थात मोहर मत लगा, समय निकट है यानी अंत समय जो है वो निकट है, क्योंकि ये पुस्तक अंत समय के लिए मोहर की गई है। डैनियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप जानते हैं कितना गैपिंग है, कितना उसका बीच में समय है, कम से कम 650 वर्ष का समय है। डैनियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बीच में जो समय है वो लगभग 650 वर्ष का समय है। मगर अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर डैनियल 12 अध्याय उसके 9 पद को जरा फिर से पढ़ेंगे
फिर से क्या पढ़ेंगे उसको हम देखते हैं, उसमें लिखा है उसने कहा हे डैनियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इस पर मोहर दी गई है। परमेश्वर ने डैनियल से ऐसा क्यों कहा कि चला जा और ये जो है इस पर मोहर बंद की गई है और ये सब बातें जो है अंत समय के लिए है। इसका मतलब क्या है कि डैनियल जो था उन बातों को जानना चाहता था कि आखिर ये भेद की बातें क्या हैं, हालांकि वो नहीं समझ पा रहा था। मैं आपको इसी के डैनियल के 12 अध्याय के 8वें पद को जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। यहां लिखा है ये बात मैं सुनता था परंतु कुछ ना समझा, तब मैंने कहा हे मेरे प्रभु इन बातों का अंत फल क्या होगा। अब यहां पर देखिए क्या कहता है डैनियल जो था, जब डैनियल ने उस पुस्तक की बातों को लिखा उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सुन रहा है लिख रहा है सब कुछ कर रहा है परंतु वो बात उसके समझ में नहीं आ रही है, उसके दिमाग में वो बात बैठ नहीं रही, उसके रहस्य उसके समझ में नहीं आ रहे हैं। मगर जब वो परमेश्वर से आग्रह करता है कि परमेश्वर मुझे बताएं ये क्या चीजें हैं, ये क्या बातें हैं, इसका रहस्य क्या है, क्या भेद है, कम से कम मुझे तो बता, मगर परमेश्वर कहता है बिल्कुल स्पष्ट साफ शब्दों में मना कर देता है कि चला जा क्योंकि ये बातें मोहर की गई हैं और ये अभी खुलने के लिए नहीं है, क्योंकि ये अब खुलेंगी अंत समय में जाकर, ये अंत समय में जाकर खुलेंगी। अब आप ये सोच लीजिए कि अंत समय में जाकर खुलेंगी यानी अंत समय का आरंभ कब से हुआ, जब ये प्रकाशन जो है यूहन्ना को दिया गया और यूहन्ना ने उस सारे भेदों को जो परमेश्वर ने उसके ऊपर खोला, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूत को भेजकर वो प्रकाशन जो था यूहन्ना को दिया, वो सारी बातें उसने दिखाई और उसने वो सब कुछ देखा और उस भेद को जो है उसने लिखा, एक एक चीज जो है उसने लिखी है। यानी परमेश्वर जो है डैनियल से डैनियल को वो भेद नहीं बताना चाहता था क्योंकि उस समय अंत समय का कोई चिन्ह या वो बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता था कि फिक्स जो अंत समय है बिल्कुल जब दुनिया का अंत अंत के कगार पर खड़ी होगी और न्याय के कगार पर खड़ी होगी तब इन बातों को लिखाया जाएगा, और जब अंत समय का आरंभ होता है तो इन बातों को जो है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इन भेदों को खोलता है और लिखवाता है। परमेश्वर का वचन कहता है इसका नाम जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है क्यों रखा गया, इसलिए इसका नाम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखा गया। देखिए डैनियल जब लिख रहा है, डैनियल जब मोहर बंद कर रहा है, वहां पर उस पुस्तक का कोई नाम नहीं है, सिर्फ इतना नाम है मोहर बंद पुस्तक, ये नाम है, परंतु इसका नाम यूहन्ना के इसमें आकर प्रकाशित वाक्य क्यों रखा गया, इसलिए क्योंकि प्रकाशित वाक्य के जो रहस्य हैं वो यूहन्ना पर प्रकट किए गए, वो रहस्य खोले गए। प्रकाशित वाक्य का मतलब है रहस्यों का प्रकट होना या रहस्यों का खुलना जो है वो है, और इसलिए इसका नाम प्रकाशित वाक्य रखा गया यानी रहस्यों का प्रकट होना, यानी रहस्य जो है वो प्रकट किए गए हैं, वो यूहन्ना को एक एक करके सारे रहस्यों की समझ दी गई है, उसे दिखाया गया है। और ये सब परमेश्वर की योजना थी कि वो पासमोर टापू पर यानी एकांत में जाए, दुनिया से निकलकर वो बिल्कुल एकांत में बंजर स्थान में जाए और वहां वो शांतिपूर्ण वो सारी बातों को देखे। ये सब परमेश्वर की योजना के तहत हुआ, नहीं तो मैंने पिछले संदेश में आपको बताया यूहन्ना को खोलते हुए तेल में डाला गया था और उसका कुछ भी नहीं हुआ, कोई बाल बांका नहीं हुआ, फिर उसको पासमोर्ट टापू पर भेज दिया गया। वहां पर परमेश्वर की ये सारी योजना के तहत हुआ और जब उसने ये सब कुछ लिखवा लिया तब यूहन्ना को वहां से बुलाया गया और उसने अपना अच्छा जीवन जो है वो जिया है इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु में होकर, और वो सारे रहस्यों को जब वो खुल चुके उसके ऊपर जब वो लिख चुका। इसलिए हम जो हैं अगर हम देखें, हम बहुत अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए कि डैनियल के समय के लोगों के पास वो रहस्य नहीं थे अंत समय के, परंतु आज मैं और आप जो हैं वो रहस्य मेरे और आपके ऊपर खुले हैं। मगर तब भी मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस पुस्तक के रहस्य को हम समझ नहीं पाते हैं, ये पुस्तक हमारी समझ में नहीं आती है। और मैंने बताया ये क्यों नहीं समझ में आती है और कैसे समझ में आएगी, वो सब आपने देखा होगा कि बाइबल को पढ़ने का तरीका क्या है, उस संदेश में आपने सुना होगा तो आपको ये पुस्तक समझ में आई होगी। यहाँ पर जो है प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को जब देखते हैं तो यूहन्ना को जो बातें दिखाई गई हैं उनका शीघ्र होना बहुत आवश्यक है। और कौन सी बातें हैं, एक तो परमेश्वर के वचन की गवाही और यीशु मसीह की गवाही जो है वो है, परमेश्वर के वचन की गवाही और यीशु मसीह की गवाही, ध्यान दीजिएगा। यानी
परमेश्वर के वचन की गवाही की, परमेश्वर के वचन की वो गवाहियां जो लिखाई गई और कैसे पूरी हो रही हैं, कि तुम पूरी होते हुए देख रहे हो, वो पूरी होंगी, कब पूरी होंगी, यानी उसकी गवाही यूहन्ना ने दी है कि अब परमेश्वर का वचन में जो जो लिखा हुआ है, जिन जिन बातों को कहा गया है, वो सब पूरा हो रहा है और पूरा होता हुआ दिखाया जा रहा है। और यीशु मसीह की गवाही क्या है कि यीशु मसीह की गवाही कि यीशु मसीह जो है शीघ्र आने वाला है, और यीशु मसीह का जो है यीशु मसीह आने वाले समय के बारे में है कि क्या क्या करने जा रहा है, किन बातों की गवाही जो है वो यूहन्ना दे रहा है। यूहन्ना इन बातों की गवाही दे रहा है कि यीशु आने वाले समय में यीशु मसीह क्या करने जा रहा है, यीशु मसीह कैसे न्याय करेगा, किस तरीके से उसका आगमन होगा, यानी सेकंड कमिंग जो है, दूसरा आगमन जो है, और कैसे वो अपने लोगों को जो है सारे संसार में से चुन चुनकर उठाएगा जो उसके लोग हैं, और वो अपने साथ ले जाएगा, उसके आने का क्या क्या चिन्ह हैं जो पूरे हो रहे हैं, वो सारी बातें जो हैं इसमें हैं, जो वचन की सच्चाई है उसकी गवाही दी है, जो पूरी होती रही हैं या हो रही हैं, और उसकी गवाही दी है जो यीशु मसीह ने किया है और जो करने जा रहा है और जो आगे करेगा भी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने देखा कि प्रकाशित वाक्य के इस रहस्य में परमेश्वर ने कैसे अपने रहस्य को प्रकट किया है, किस तरीके से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम कहते हैं कि यूहन्ना ने लिखी, परंतु वो तो परमेश्वर के पास पहले मौजूद थी, पहले से लिखी हुई थी, जो उसने डैनियल के ऊपर लिखाई, डैनियल ने जो बातें लिखी हैं उसके रहस्य को स्पष्ट तरीके से यूहन्ना के ऊपर खोला गया है और लिखवाया गया है, और हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अगर डैनियल की वही पुस्तक मोहरबंद पुस्तक होती हमारे पास तो हम तो समझ ही नहीं पाते, और इसलिए आज हमारे पास उसके रहस्य परमेश्वर ने हम पर प्रकट किए हैं। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, उन रहस्य को जानना चाहिए, उन रहस्य को पढ़ना चाहिए। जी हाँ, अभी हमारा जो प्रकाशित वाक्य एक अध्याय के एक से लेकर तीन पद तक है, परंतु अभी हम यहाँ पर जो है दो पद तक बात कर रहे हैं, और अगले संदेश में तीसरे पद के ऊपर बात करेंगे। तीसरे पद का रहस्य भी बहुत मजेदार है, आप देखेगा कि तीसरा पद जो है किस तरीके से परमेश्वर ने वो प्रकट किया है, क्या चीज है उसके अंदर, क्या रहस्य है उसके अंदर, कौन सी ऐसी बात है उसके अंदर जो परमेश्वर हमसे तीसरे पद के द्वारा बात करना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आमीन।